शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांग्रेस लीडर रामकृष्ण ओझा ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके निवास स्थान सुरक्षित पहुंचाने की केंद्र सरकार से अपील की है। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन जारी है, जिस वजह से कई मजदूरों जो अपने घरों से दूर है उन्हें घर वापस लौटने की चिंता सता रही है। सरकार ने श्रमिक ट्रेन शुरू की है, जिसके चलते बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से आए मजदूरों को पहुंचाने का प्रयास जारी है। आज 28 मई है और हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चीज की आवाज उठाई जा रही है। सबसे पहले मेरा एक सवाल केंद्र सरकार से है, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से है कि उन्होंने पिछले 3-4 दिनों में ट्वीट पे ट्वीट करके कहा कि हमारी ट्रेनें बहुत सही ढंग से चल रही है, कोई मोर्टेलिटी नहीं है, सब समय पे काम हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो 40 ट्रेनें इस देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई, जो 9-10 दिन तक भटक रही है, 9-10 दिन भटकी है, लोगों को खाना नहीं मिला है, लोग उसमें मर गए हैं, बच्चे भूखे भूख से तड़प रहे हैं, इस तरह से सरकार चलाई जाती है? ये सरकार चलाने का कोई तरीका नहीं है। 1947 के बाद जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद आज तक हज़ारों ट्रेनें इस देश में चल रही है, कभी भी इस तरह की बेपरवाही नहीं हुई, जान माल का इतना नुकसान कभी किसी का नहीं हुआ। तो देश इस आज़ादी के बाद सबसे बड़ी महामारी से जूझ रहा है। इस समय कम से कम रेल मंत्री ने, रेल विभाग ने सावध होकर ट्रेनें चलानी चाहिए। मैं अपील करता हूं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि उन्होंने हमारे मजदूरों को, हमारे श्रमिकों को जहां जहां वो फंसे हुए हैं उनको मुफ्त में घर पहुंचाए, मुफ्त में उनको खाना दे, उनका पूरा ध्यान रखे। आप विदेशों से लोगों को विमानों में बुलाते हो, उनकी सेवाएं करते हो, लेकिन असली जो देश को चलाने वाले लोग हैं वो ये लोग हैं जो श्रमिक हैं हमारे, उनको इस देश की सरकार ने उनको कंधे पर बिठा कर पहुँचाना चाहिए, ये मैं उनसे अपील करता हूँ। दूसरी मेरी अपील है कि जो मध्यम वर्गीय लोग इस देश में करीबन 60% है, जो छोटा मोटा काम करते हैं, जिसकी तनख्वाह 10,000 है, 15,000 है, कोई रेडी चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई पान ठेला चलाता है, कोई चाय की दुकान चलाता है, कोई छोटे किराना की दुकान चलाता है, उनके हाल बहुत ख़राब है। असली में इस देश के नागरिक को मदद पहुंचाने वाला काम अगर कोई करते हैं, अगर इकोनॉमी को बढ़ाने काम अगर कोई कर रहे हैं तो ये लोग करते हैं। एक आदमी, एक छोटे दुकानदार अगर छोटी सी दुकान चलाता है ना, तो 2-3 लोगों को रोज़गार देता है, तब जाके उसे घर में 10,000 और 20,000 पहुँचते हैं। ऐसे लोगों की दुकानें पिछले 60 दिनों से बंद हैं, उनके पास खाने पीने का साधन नहीं है। मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है, उनसे निवेदन करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, कि उन्होंने हर मध्यम वर्गीय परिवार के खातों में 10,000 रुपये तुरंत उनके खातों में डालने चाहिए और 7,500 रुपये प्रति माह 6 महीने तक उनके खातों में डालने चाहिए, ताकि इस देश की जनता, जो 60% जनता है, अपने घरों में अपना खाने पीने का बंदोबस्त करेगी और वो पैसा तुरंत मार्केट में आएगा, वो खर्चा करेगी, उसी पैसे से इस देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और पैसा सरकार में, देश में घूमेगा तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, ना कि 20,00,000 करोड़ रुपए जो अपने अमीर दोस्तों को देना या उनका कर्ज के रूप में बांटना, ये कहीं का न्याय नहीं है। न्याय असली होगा जो राहुल जी कहते हैं कि हर नागरिक के खातों में, मध्यम वर्गीय आदमी के खातों में अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पैसे का वाजिब उपयोग होगा और देश के लोगों के फ़ायदा होगा और उससे देश का भी फायदा होगा। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो हमारे श्रमिकों को उनके घरों तक मुफ्त सेवा दे के पहुँचाए और मध्यम वर्गीय परिवारों के खातों में 10,000 रुपये तुरंत ट्रांसफ़र करें, और जो मनरेगा स्कीम है जिसके अंदर हमारे देश के मजदूर अपने अपने गांव में चले गए हैं, उनको देने वाले काम, जो वर्ष में जो जितने दिन का काम दिया जाता है उसको 200 दिन तक काम उनको दे, ताकि 200 दिन का काम उनको मिलने से उनका वर्ष भर ठीक से चलेगा, उनका पेट भरेगा, उनके परिवारों का पेट भरेगा। इतना ही इस मौके पर मैं उनको कहना चाहता हूँ और देश के लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि इस बात को उठाएं और केंद्र सरकार की आंखें खोले और उन्हें बताएं कि ये सब 3 चीज़ें हमारी आवश्यकता है, इसे तुरंत पूर्ति करें। जय हिंद, जय भारत।